न्यूज़ परिवार की तरफ से हमारे सभी दर्शकों को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आगामी धनतेरस और दीपावली जो 10 और 12 तारीख को मनाया जाएगा उसके लिए जनपद वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसमें हम लोग ट्रैफिक लाइट्स रोड्स अच्छी व्यवस्था का प्रयास कर रहे हैं। बस लोगों से यही अनुरोध है, हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, खुशी से मनाएं और सेलिब्रेट करें। हैप्पी दिवाली। और मैं मंडला गोरखपुर जो है अपने सभी जनपद वासियों को जो है दिवाली और छठ पर्व की जो है हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सब लोग जो है अच्छे से त्यौहारों को मनाएं, यही मेरी शुभकामनाएं। सभी लोगों को इस पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आह्वान करता हूं कि पूरे परिवार के साथ पूरे हर्षोल्लास उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाएं। दिवाली के पर्व पे काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है, खरीदारी होती है। पुलिस प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार समस्त तैयारियां पूर्ण कर चुका है। हम कंधे से कंधे मिला के नागरिकों के साथ खड़े रहेंगे और उनके त्यौहार में सकुशल संपन्न करने के लिए समस्त प्रकार की व्यवस्था ग्राउंड लेवल पे की करते रहेंगे। पूर्व न्यूज़ के माध्यम से आम जनता से अपील करता हूं कि आने वाले दीपावली के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाएं, साथ ही साथ सुरक्षा मापदंडों का पूरी तरह से प्रयोग करें, जैसे कि आपके बच्चों में आपको किसी भी प्रकार की जनहानि से बचाया जा सके, साथ ही साथ मद्य निषेध करें और किसी भी प्रकार के अल्कोहलिक या इन सब चीज़ों से दूरी बनाएं। धन्यवाद। समस्त जनपद वासियों को आपकी तरफ से और मैं इस गोरक्षनाथ नगरी में सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि सभी लोग अपने परिवार में सुख शांति के साथ दीपोत्सव का त्यौहार मनाएं और किसी भी हैवी पटाखे वगैरह से अपने को बचा के रखें, कोई जनहानि न हो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और दीपावली का आनंद से त्यौहार मनाएं। धन्यवाद। देखिए, गोरखपुर न्यूज़ के सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से आगामी त्यौहार धनतेरस, दीपावली और छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मैं सभी श्रोताओं को यही कहना चाहता हूं कि पुलिस और प्रशासन का आने वाले दिनों में सहयोग करें, शांतिपूर्वक हर्षोल्लास से सौहार्दपूर्ण माहौल में ये त्यौहार मनाएं। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के सभी हमारे दर्शक, सभी हमारे गोरखपुर वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह त्यौहार आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आए, ऐसी आशा करते हैं। साथ ही साथ इन त्यौहारों को आप जीरो वेस्ट त्यौहार के रूप में मनाइए। त्यौहारों से अपने जीवन से प्लास्टिक का उपयोग पूर्णतः वर्जित कर दें। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ना घर में आने दें, ना जो ला रहा है उसको नहीं को त्याग दें और शहर को स्वच्छ रखने में, सुंदर रखने में सहयोग करें। यह त्यौहार न केवल आपके जीवन में बल्कि गोरखपुर शहर को स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए भी आप योगदान दें। नगर निगम परिवार की ओर से एक बार फिर से पुनः बहुत बधाई। गोरखपुर के माध्यम से मैं गोरखपुर जनपद वासियों को दिवाली और आगामी त्यौहारों की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मेरी सभी से यही अपील है कि दिवाली को आप सुरक्षित रूप से मनाएं और हर्षोल्लास का रूप से इसको मनाएं। दर्शकों को दिवाली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सभी लोग क्रैकर फ्री, पर्यावरण फ्रेंडली दिवाली मनाएं और अपने सभी रिलेटिव्स के घर जाएं, निश्चित ही ये मौका यूज़ करें। बहुत ही बड़ा पर्व हम लोगों के लिए होता है। मेरी शुभकामनाएं पुनः सभी लोगों को। पूर न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं जनपद वासियों को दीपावली पर्व की, छठ पर्व की अनेक शुभकामनाएं देता हूं और एक आग्रह करता हूं कि सुरक्षित दीपावली मनाएं। पटाखों का जब बच्चे पटाखे जलाएं तो उनके साथ रहें, सुरक्षित रूप से दीपावली का हर्षोल्लास के साथ मनाएं। जब सभी जनपद वासियों को, गोरखपुर न्यूज़ चैनल के सभी श्रोताओं को, सभी लोगों को दीपावली पर्व की और छठ पर्व की अनेक शुभकामनाएँ। गोरखपुर न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों और सभी गोरखपुर जनपद के जनपद वासियों को मैं आगामी धनतेरस, दीपावली और भैया दूज के त्यौहार की शुभकामनाएं देता हूं और यह ईश्वर से कामना करता हूं कि यह त्यौहार आप सभी के जीवन में खुशियां लाए और हर्षोल्लास के साथ आप इस त्यौहार को मनाएं। आपका दिन शुभ हो। सबसे पहले तो मैं सभी गोरखपुर जनपद वासियों को दिवाली, धनतेरस और भैया दूज के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और मैं उनसे ये अपील करना चाहूंगी कि ये त्योहारों को पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से मनाएं ताकि मैं एसपी ट्रैफिक गोरखपुर धनतेरस और दीपावली के शुभ अवसर पर गोरखपुर न्यूज के समस्त दर्शकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। जय हिंद।
एसडीएम सदर कुमार सौरव और सीओ कोतवाली अनुराग सिंह की अध्यक्षता में शनिवार को राजघाट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान आए हुए फरियादियों की एक एक कर फरियाद सुनी गई। ज्यादातर मामले राजस्व से जुड़े आए, जिनके निस्तारण के लिए राजस्व और पुलिस टीम को संयुक्त टीम गठित कर मामले के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर राजस्व टीम के समस्त लेखपाल और थाने के पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सीओ कोतवाली अनुराग सिंह ने कहा, थाना दिवस पे मेरे साथ में डीएम साहब हैं, मैं थाना दिवस पे यहाँ पे राजघाट पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ चार पांच मामले आए हैं, उन मामले पे जो कार्रवाई होनी थी उचित कार्रवाई की जा रही है। सभी को निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि वो लेखपाल को उसकी कार्रवाई की जा रही है। जैसे कुछ जमीन के मामले आते हैं जिसमें हमें पुलिस विभाग की भी और राजस्व विभाग की जरूरत पड़ती है, तो एक टीम, दोनों की टीम, संयुक्त टीम गठित करके दोनों विभागों के लोग जाके मौके पे चेक करते हैं और जो उचित कार्रवाई होती है उसके निर्देश देकर उसको उचित कार्रवाई। महानगर में दीपावली के अवसर पर विभिन्न पंडालों में माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया। आपको बता दें कि दीपावली के अवसर पर महानगर में विभिन्न चौराहों पर माता लक्ष्मी व भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं नागरिकों के द्वारा विधि विधान से माता की प्रतिमा का पूजन अर्चना किया जा रहा है। पूरा शहर माँ के भक्ति में डूबा हुआ है। रविवार को दिवाली के अवसर पर नागरिकों के द्वारा माता की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाया जाएगा और माता से घर में सुख समृद्धि की कामना की जाएगी। उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई, सुनो, और उसमें से वो मशीन निकाल जो अपना ब्रीफकेस खोला, अपना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव गुरुवर के निर्देशन में धनतेरस एवं दीपावली पर्व के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव बिंद द्वारा जनपद में यातायात व्यवस्था के सुगम संचालन के लिए भीड़ भाड़ एवं जाम लगने वाले स्थानों पर यातायात पुलिस टीम के द्वारा पैदल गश्त करके जनता को यातायात व्यवस्था के नियमों का पालन करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। पैदल गश्त के दौरान क्षेत्राधिकारी यातायात जगत कन्नौजिया, यातायात निरीक्षक मनोज राय, अजीत कुमार पांडे एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक श्यामदेव बिंद ने कहा, देखिए धनतेरस का त्यौहार कल था, भीड़ भाड़ अधिक थी और कल दिवाली का त्यौहार है, यातायात माह भी चल रहा है। इसी क्रम में जो है कि लोकल पुलिस और यातायात पुलिस मिलकर जो है कि रूट मार्च कर रही है, लोगों को यातायात नियमों के तहत जागरूक भी कर रही है और आम जनता को आवागमन में कोई समस्या ना हो इसीलिए भी रूट मार्च किया जा रहा है। जो लोग रोड पर गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं उनको जागरूक किया जा रहा है, पार्किंग में खड़ी करें, अन्य यातायात नियमों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसी के तहत रूट मार्च, फ्लैग मार्च। जनपद में शनिवार को शाहपुर में थाना अध्यक्ष शशिभूषण राय की अध्यक्षता में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना समाधान दिवस में अधिकतर मामले भूमि विवाद से संबंधित आए थे और कुछ मामले पुलिस से संबंधित आए थे। वहीं थानाध्यक्ष द्वारा पुलिस व राजस्व की टीम बनाकर मामलों के निस्तारण के लिए निर्देशित किए गए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना हमारी पहली प्राथमिकता है। इस अवसर पर उप निरीक्षक मृत्युंजय राय सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जितनी मूर्ति पहले बनी हुई थी उसके अपेक्षा थोड़ा और बेच बेच के उन्होंने फंसा दे झगड़ा करवा दिया ना। डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल रहे अभियान पर कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बचे हुए परिवार हैं उनके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें 1 नवंबर से 19 नवंबर तक ऐसे नागरिकों को चिन्हित करना है जिनको अभी तक शौचालय प्राप्त नहीं हुआ है। उनको चिन्हित करने के बाद उनको लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने कहा, जनपद में हर साल परिवार बढ़ रहा है इसलिए हर साल टारगेट दिया जाता है, इसमें कोई छूटे नहीं, जो लोग छूटे हैं उनको शौचालय उपलब्ध करवाया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीपीआरओ नीलेश प्रताप सिंह ने कहा, अभी स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो बचे हुए परिवार हैं जिनका व्यक्तिगत शौचालय अभी भी बनना है उसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चला जा रही है,
भारत सरकार के द्वारा ये ड्राइव चलाई जाए जिसमें 1 नवंबर से 19 नवंबर तक सभी ग्राम पंचायतों में चिन्हित करना है जिनमें अभी भी जिनको अभी भी शौचालय की सुविधा नहीं मिली है उनको चिन्हित करने के बाद फिर उन्हें लाभान्वित करना है स्वच्छ भारत मिशन के तहत व्यक्तिगत शौचालय। क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हर साल फैमिलीज बढ़ती रहती हैं टूटती रहती हैं उस हिसाब से लोगों के पास शौचालय हमारी हर साल इसलिए हर साल टारगेट दिया जाता है कि आप इतने लोगों को आच्छादित करें तो अब ये इसीलिए स्पेशल ड्राइव है कि अब इसके बाद कोई लोग छूटे न रहें तो ये 1 नवंबर से 19 नवंबर तक वृहद स्तर पर पूरे ग्राम पंचायतों में सर्वे होगा ग्राम पंचायत स्तर पर ही होना है और उसके बाद जो भी छूटे हुए लाभार्थी हैं हमारे उन सबको सैचुरेट किया जाएगा। धनतेरस दीपावली और भैया दूज त्यौहार को लेकर बाजारों में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते नजर आए ऐसे में आम जनमानस की सुरक्षा के लिए कोतवाली सर्किल क्षेत्र के सभी मुख्य बाजारों में चप्पे चप्पे पर पुलिस मौजूद रही वहीं सराफा मार्केट में सादे वस्त्रों में भी पुलिस फोर्स तैनात रही वहीं टप्पेबाजों से बचाव के लिए अनाउंसमेंट कर लगातार लोगों को जागरूक किया गया इस दौरान बड़ी संख्या में अधिकारियों के साथ पुलिस फोर्स बाजारों में गश्त करती आम जनमानस को सुरक्षा का एहसास दिलाया इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ संवाददाता से बात करते हुए सीओ कोतवाली अनुराग सिंह ने कहा दिवाली के त्यौहार में धनतेरस दिवाली और उसके बाद में भैया दूज के त्यौहार जो मनाया जाता है इसमें काफी भीड़ रहती है इस भीड़ की व्यवस्था को मैनेज करने के लिए हमने अलग से ड्यूटी लगाई है हर चौराहे पे ड्यूटी लगे हुए हैं जितने भी चौकी इंचार्ज है अपने क्षेत्र में भ्रमण करके पूरा व्यवस्था को बनाए रखते हैं साथ ही साथ हमने एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसमें एक ऑटो रिक्शा पे हमने स्पीकर लगा के लोगों को अवेयरनेस के लिए ये बताया है कि कोई भी जो भी पॉकेट वगैरह मारते हैं उस पर किस तरीके से कार्रवाई करें कोई भी पुलिस शादी वर्दी में आके पुलिस का बोलता है मैं पुलिसकर्मी हूँ या फिर कोई दूसरे विभाग का हूँ और टप्पेबाजी करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए भी हमने पब्लिक को अवेयरनेस के लिए स्पीकर लगा रखे हैं जो अपने लगातार भ्रमण से लेकर पब्लिक को अवेयर कराता है साथ में घंटाघर पे भी हमने एक परमानेंट स्पीकर लगा रखा है जो वहाँ के लोगों को बताता है अवेयर कराता है कि किस तरीके से अपने सामान की सुरक्षा खुद से कर रहा है इस तरीके से हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है जिससे शांति व्यवस्था बनी हुई है अभी तक कोई भी घटना कारित नहीं है। जनपद में दीपावली के अवसर पर टाउन हॉल ग्राउंड पर पटाखा की दुकानें लगाई गई वही दुकानदारों द्वारा प्रशासन के द्वारा जो गाइडलाइन बताई गई थी उसका सभी दुकानदार पालन करते नजर आए सभी दुकानों के सामने पानी की बाल्टी बालू रखा हुआ था इसके अलावा अग्निशमन यंत्र भी सभी दुकानों पर पाया गया जिससे यदि कहीं पर आग लगे तो तत्काल बुझाया जा सके वही नागरिकों के द्वारा पटाखे की जमकर खरीदारी की गई इसमें नागरिक सुतली बम छुरछुरी रॉकेट सहित अन्य पटाखा खरीदते हुए नजर आए इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पटाखा के व्यापारियों ने कहा हर क्वालिटी के हर तरीके के पटाखे हमारे पास हैं बच्चों ही वाला है ये बड़ा वाला नहीं है सिर्फ बच्चों वाला ही है फुलझड़ी है पटाखा है लाइट है रॉकेट है बड़े भी नहीं है सिर्फ बच्चों वाला ही है लेडीज बजाए बच्चे बजाए कोई उसमें जो है दिक्कत की बात नहीं है पानी देखिए पानी है बालू है वाइब्रेट भी रखे हुए हैं सब हमारे पास है सारा साधन है बिक्री तो थोड़ा सा ढीली ढाली चल रही है इतनी कोई खास नहीं बिक्री है सर हम लोग लगभग 20 से 25 वर्ष पुराने दुकानदार हैं और लगातार दुकानें लगती चली आई हैं हर साल और अब की लगभग 70 दुकानें लगी हैं ग्राउंड में और प्रशासन की तरफ से जो टीन शेड का व्यवस्था कराया गया है सभी दुकान वो टीन शेड में बना के दिया गया है नगर निगम की तरफ से साफ सफाई का पूरा व्यवस्था किया गया मच्छर की छिड़काव को रखा गया है तो इन सब चीज़ से दुकानदारों को बहुत सुविधा मिला है। अच्छा आग से बचाव के लिए किन किन नियमों का आप लोग पालन कर रहे हैं? देखिए आग से बचाव के लिए सबसे पहला तो प्रशासन की तरफ से टीन शेड का दुकान बना के दिया गया है दूसरा फायर एक्सिक्यूशन मशीन रखा गया हर दुकान पे दो सौ लीटर पानी रखा गया ड्रम में 4 बोरी बालू रखा गया है और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं यहाँ रखा जाता है और कस्टमर लोगों को भी इस चीज़ का हिदायत दिया जाता है कि यहाँ किसी भी ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल ना करें बिक्री तो अभी ठीक है कल धनतेरस था आज छोटी दिवाली है आने वाले समय में बिक्री अच्छा मिलेगा वो भगवान से ही भरोसा करते हैं। नाम गौरव कुमार गुप्ता फुटकर पटाखा वेबसाइट।